हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बाहर हो रही है जोरदार बारिश और बारिश में पकौड़े टिक्की हो गए हैं पुराने। अब हम बनाएंगे बेसन का कुछ नया नाश्ता जिससे हो जाएंगे सब इस नाश्ते के दीवाने। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी इजी इजी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और आप उसे बना पाए और शेयर कर पाए सब जगह। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है, बहुत ही आसान चीजें ली हैं जो आपको आसानी से किचन में मिल जाएगी। तो ये हमारा है 250 ग्राम बेसन और ये नॉर्मली वाला बेसन है जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप उसी से बना सकते हैं। इधर मैंने लिया है टमाटर दो जो मेरे 100 ग्राम है और दो हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम टमाटर को वॉश करके इसको कट करेंगे गोल गोल स्लाइस में, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, मैंने टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे हम कट करेंगे। कट करते समय ख्याल रखना है कि इसे गोल स्लाइस का और पतला पतला हमें कट करना है। आप चाहे तो चॉपिंग बोर्ड पर रख के भी कट कर सकते हैं लेकिन हाथ से ज्यादा इजी बनेगा। तो इस तरह से हम देखिए बिल्कुल पतला पतला इसे कट करेंगे। इस तरह से मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ, फिर मैं बाकी सारे फटाफट कट कर लूंगी। इस तरह से स्लाइस होने चाहिए इतने पतले और इसको हम रखते जाएंगे और सारे इसी तरह कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने टमाटर के स्लाइस को कर लिया है और इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ, इसे कर देते हैं साइड में। तो फ्रेंड, एक बर्तन ले लेंगे और इसमें अपना हम बेसन डालेंगे और इस तरह से हम अपना 250 ग्राम बेसन सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप बेसन की मात्रा को कम कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे हम इसमें एक चम्मच और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंफ। तो सौंफ हमें ज्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डालनी है। तो इसमें दो तीन दाने सौंफ के डालने हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन बहुत बढ़िया टेस्ट लाती है, इसलिए पिंच भर अजवाइन। और अब इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, तो हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू, आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और इस तरह से हमने इसके बीज को रिमूव कर दिया था और इस तरह से आधा नींबू का रस हम इसके अंदर डालना है। और अब इसके बाद इसमें जाएगा जीरा, तो ये गया आधा चम्मच जीरा। अब एक चम्मच जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो खूबसूरत कलर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, तो इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच से कम यानी चौथाई चम्मच हींग। और अब इसके डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बनाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इस तरह से आधा पानी हमने आधा गिलास डाल दिया है। और अब हम इसका घोल बनाएंगे इस तरह से स्मूथ और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ पानी नहीं ऐड करना है। ख्याल ये रखना है कि न बहुत ज्यादा थिक बनाएंगे न बहुत ज्यादा लिक्विड, और इसे अच्छे से अब हमें फेंटना है और इसके लम्स को खत्म करना है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो पानी आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने में आपको एक मिनट का टाइम देना है ताकि अच्छे से इसमें एयर बने और जब इसमें हवा आ जाएगी तो ये फ्लफी बनेगा बिना बेकिंग पाउडर डाले। तो इसलिए आपको कंटिन्यू एक डायरेक्शन में इसे चलाते रहना है, तभी आपका नाश्ते का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये थिक थोड़ा सा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी इसके अंदर, लमसम दो तीन चम्मच। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल ली हूँ और अब मैं दोबारा इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये रेडी हो चुका है। इतना होना चाहिए आपका, न बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए न बहुत ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, इस तरह से ये होना चाहिए। देखिए मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ। और अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे कटी हुई। तो फ्रेंड, हरी मिर्च हमने एक चम्मच ऐड की है, ये अगर मात्रा में बताऊं तो दो हरी मिर्च है जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और बारीक ही आपको करना है ताकि इसके लम्स बड़े बड़े ना आए, अगर आप मोटे मोटे डालेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे बेसन में। और इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हर नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया। तो एक बड़ा चम्मच हम हरा धनिया डाल लें और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हरा धनिया को हमने मोटा मोटा चॉप किया है, बारीक नहीं करना है। और इस तरह से हमारा घोल रेडी हो चुका है। चलते हैं गैस की तरफ और नाश्ता बनाते हैं। तो ये हमारे टमाटर रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं गैस की तरफ।
तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ और हमने तावे को रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच से कम ऑयल और इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बन जाता है और इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि बच्चों से बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। तावे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब गर्म होने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड तावा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और इस तरह से इसमें से धुआं निकलने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और लास्ट बार अपने मिश्रण को अच्छे से फेंटेंगे। और अब हमें इस मिश्रण को पूरा का पूरा इसमें डालना है। और डालने के बाद हम इसे इस तरह से करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये शेप अपने आप लेता जाएगा और इस तरह से ये पूरा शेप ले लेगा और इस तरह से ये बिल्कुल इक्वल बन जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसने शेप ले लिया है और हमें कोई भी हार्ड वर्क नहीं हुआ। और अब इस तरह से शेप लेने के बाद हमें इसे एक मिनट तक पकने देना है बिल्कुल टच किए हुए बिना। तो फ्रेंड एक मिनट पकने के बाद अब आपको इसके ऊपर टमाटर को लगाना है स्लाइस को इस तरह से। अब इस तरह से अपने स्लाइस को रखते जाएंगे आराम से और ये काम आपको एक मिनट बाद ही करना है ताकि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिले। और इस तरह से हम इसको सजा देंगे और बीच में हम ये वाला रख देते हैं। और अब इसके बाद हमें इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है और इसको ऐड करने के बाद अब हमें प्याज को जो हमने पतला पतला करके रखा है वो हमें इस तरह से इसके ऊपर लगाना है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इस तरह से हमें इसको अच्छे से डेकोरेट करना है और इसके साइड साइड में भी हम इस तरह से प्याज को लगाते जाएंगे। और इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई और भी सब्जियां भी लगा सकते हैं। और अब इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च लेंगे जो हम इस तरह से इसके ऐसे ऐसे रखेंगे। और अब हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा पत्ता गोभी जो हमने इस तरह से किया है इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल नाम मात्र का पत्ता गोभी है और इसको डालकर इस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड थोड़ा सा शिमला मिर्च हमने कट करके रखा है उसको हम इस तरह से इसके साइड साइड में लगा देंगे। और लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो इस तरह से हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया की पत्तियां बिल्कुल इस तरह से डाल देंगे और अब इसे कवर करके दो मिनट पकने देंगे। और धीरे धीरे ये देखिए पकने लगा है और ये आधा पक ही गया है सजाते सजाते ही। अब इसे हम दो मिनट रखेंगे और ये पूरा पक जाए। और इस तरह से हम इसे ढककर लगाकर रख देंगे और दो मिनट बाद चेक करेंगे ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे चेक करते हैं। ढक्कन को हटा लेंगे बिल्कुल आराम से क्योंकि काफी गर्म है। तो इस तरह से हमने ढक्कन को हटा लिया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और चम्मच से हम इसे उठाकर देखेंगे तो इस तरह से बिल्कुल ये छोड़ रहा है चारों साइड से और अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। और अब ये रेडी हो चुका है और इसमें वेजिटेबल को ज्यादा पकाते नहीं है, आप इसको पलटिएगा नहीं क्योंकि इसमें वेजिटेबल जब इस तरह से होती है तो उसमें ज्यादा फ्लेवर आता है। अब मैं इसे निकाल कर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पलटने से ये खूबसूरत कम लगेगा और इस तरह से ये हमने जो ढककर पकाया तो सब्जियां हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं और इस तरह से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बन चुका है बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं आप। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड रेडी हमारा ये अमेजिंग सा नाश्ता पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं इसे कट करूंगी, मैंने सोचा फिर आपको ऐसे इस तरह से लाइट में दिखा दूं कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वेजिटेबल अच्छे से कुक हो चुके हैं और इस तरह से हमने वेजिटेबल को थोड़ा सा कच्चा ही रखा है। और चिल्ला हमारा जो नीचे का था वो इतना ज्यादा खूबसूरती से डन हो चुका है, ये देखिए पूरा छोड़ रहा है। अब मैं इसे निकाल कर चॉपिंग बोर्ड पर कट करके आपको दिखाती हूं। तो निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, इस तरह से आपको इसे निकाल लेना है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये आ चुका है और अब मैं इसे कट करूंगी तो कट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। आप चाहे तो
पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हैं। और इस तरह से ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। और ये हिस्सा देखिए हमारा अलग हो गया है। अब इसके हम दो स्लाइस करेंगे और ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए बहुत ही अमेजिंग था, ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है और इस तरह से बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिले सबसे पहले। और ये अमेजिंग सा नाश्ता जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और अब मैं इसके भी स्लाइस को कट कर लेती हूँ, तो बहुत ही आसानी से ये भी कट जाएगा, तो मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। तो इसे मैं इस तरह से दो स्लाइस में करूंगी। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप इसे और पतला कर सकते हैं, अगर आप बड़ों के लिए कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए कितना अमेजिंग सा ये बनकर रेडी हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता, जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो होममेड ये पिज्जा है और ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, ना इसमें ईस्ट वगैरह पड़ा है, ना इसमें बेकिंग पाउडर है, तो ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे जरूर दीजिएगा उनको और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा।